गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट. इंडियन मनी मार्केट को अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज की मनी मार्केट से, जैसे लंदन मनी मार्केट से या न्यूयॉर्क मनी मार्केट से, तो जो इंडियन मनी मार्केट है वो कंपैरिजन में काफ़ी वीक है. तो क्या क्या उसके फीचर्स हैं वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं. इंडियन मनी मार्केट का सबसे पहला फीचर है डिकोटोमी. इसका मतलब कि जो इंडियन मनी मार्केट है वो डिवाइडेड है टू सेक्टर्स में. एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसमें आरबीआई आता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं. जबकि जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसमें मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स और साहूकार्स आ जाते हैं. जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसे कंट्रोल करती है आरबीआई, जबकि जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ आरबीआई होती है. और इंडिया में अगर हम बात करें तो बोथ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है. दूसरा जो फीचर है दैट इज सीजनल वेरिएशंस. जो डिमांड है मनी की इंडियन मनी मार्केट में वो सीजनल है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है. तो जो डिमांड है मनी की इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसे इफेक्ट होती है. डिमांड को कंसीडर करते हुए दो सीजन्स में हम इसे डिवाइड करते हैं. एक जो हाँ बिजी सीजन है और दूसरा जहाँ स्लैक सीजन होता है. बिजी सीजन नवंबर से अप्रैल तक होता है, तो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स मार्केट में आती है उस टाइम पे, तो जो ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट होते हैं उनके उन्हें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है परचेज करने के लिए, और ग्रेट डिमांड होती है फंड्स की. सेम तरीके से अगर हम स्लैक सीजन में देखें तो जो स्लैक सीजन है वो कवर करता है आपका पीरियड मई टू अक्टूबर तक का. तो जो ट्रेडर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन्हें अपने जो बोरोड फंड है वो रिपे करने होते हैं इस पीरियड में. तो जो डिमांड है फंड्स की इस पीरियड में डाउन रहती है. तो सीजनल वेरिएशंस हैं डिमांड की फंड्स की फंड्स के लिए मनी मार्केट में. नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज प्रीडोमिनेंट प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इंडियन मनी मार्केट में जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो डोमिनेंट प्लेस इंजॉय करती हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और रेलवे बॉन्ड्स आ जाते हैं. नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट. अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में कोशिश काफ़ी बार की गई कि जो बिल मार्केट है उसे डेवलप किया जाए, बट इट इज़ ऑफ नो यूज. कंप्लीट एब्सेंस है एक्सेप्टेंस और डिस्काउंट हाउसेस की इंडियन मनी मार्केट में, और इन अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट इस वजह से इंडिया में है. बिल डिस्काउंटिंग, बिल रीडिस्काउंटिंग की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पॉपुलर एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंडिया में नहीं है. आरबीआई ने हालांकि इसके लिए काफ़ी मेजर्स लिए हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी को एबॉलिश किया अगर आप ट्रेडिंग करते हो बिल्स की, लेकिन स्टिल जो इंडिया में बिल मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है. नेक्स्ट इज आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट. जो इंडियन मनी मार्केट है वो आइसोलेटेड है फॉरेन मनी मार्केट से. हार्डली कोई मूवमेंट होता है फंड्स का इंडियन मनी मार्केट और फॉरेन मनी मार्केट्स के बीच में. द नेक्स्ट इज योर वेराइटी ऑफ पार्टिसिपेंट. नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज वेराइटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स. इंडियन मनी मार्केट का जो करेक्टरिस्टिक है ये, इसमें हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन कौन प्लेयर्स हैं जो इंडियन मनी मार्केट में रोल प्ले करते हैं. आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और पब्लिक सेक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं. देन वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें आप इंडियन मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बिल्स एसेट्रा. नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज प्रेवलेंस ऑफ वेरियस सब मनी मार्केट. इंडियन मनी मार्केट में वेरियस सब मार्केट्स हैं. ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जैसे ट्रेजरी बिल मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट, कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट एक्सेट्रा. लेकिन जो प्रॉब्लम है इंडियन मनी मार्केट में दैट इज इन सब मनी मार्केट्स के बीच में इंटीग्रेशन नहीं है. तो जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट सब मनी मार्केट्स में प्रिवेल करता है. नेक्स्ट इज योर स्ट्रॉन्ग इंटरकॉल मनी मार्केट. जो कोर है इंडियन मनी मार्केट का वो है इंटरकॉल मनी मार्केट. जो बैंक्स है वो डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स है कॉल मनी मार्केट में, इसीलिए उसे इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट कहा
जाता है, और ये जो सेगमेंट है इंडियन मनी मार्केट का वो बहुत एक्टिव है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट को हम कंपेयर नहीं कर सकते जो डेवलप कंट्रीज की मनी मार्केट है, जैसे लंदन मनी मार्केट या न्यूयॉर्क मनी मार्केट से, क्योंकि इसे अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट से लिए है। तो जो शॉर्टकमिंग्स है वो क्या है इंडियन मनी मार्केट की? सबसे पहला है इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज। दो वास्ट एक्सपेंशन हुआ है बैंकिंग सेक्टर का, लेकिन स्टिल जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो इनएफिशिएंट हैं, इनएडिक्वेट हैं। स्टिल बहुत सारे रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बैंक ब्रांचेस नहीं हैं, और जिसकी वजह से जो रूरल और रिमोट एरियाज की सेविंग्स हैं वो मनी मार्केट में या बैंक तक नहीं पहुंच पाती हैं, और वो चैनलाइज नहीं हो पाती है इकोनॉमी की इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज योर पुअर बैंकिंग हैबिट्स। मास इलिटरेसी है फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड, तो जो बैंकिंग हैबिट्स हैं लोगों की वो बहुत पुअर है। लोग अभी भी चेक यूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन कैश में सेटल होती है, होर्डिंग ऑफ कैश लोग करते हैं। ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं पुअर बैंकिंग हैबिट्स के। नेक्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिजीनियस और अनऑर्गेनाइज बैंकर्स। इंडिया में अभी भी अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स, महाजन साहूकार हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विलेजेस और सेमी अर्बन एरियाज में, और फार्मर्स स्टिल उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं एग्रीकल्चरल पीरियड में पैसे के लिए, और वो उन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं। और इनके जो ऑपरेशंस हैं अनऑर्गेनाइज बैंकर्स के, उन्हें आरबीआई रेगुलेट भी नहीं करती है, तो ये भी एक वीकनेसेस है इंडियन मनी मार्केट की। नेक्स्ट इज योर एब्सेंस ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट। इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है इंडियन मनी मार्केट की कि वेल डेवलप्ड बिल मार्केट यहाँ पर नहीं है। इनलैंड और फॉरेन बिल्स दोनों इंडियन मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं, लेकिन उनका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्राई किया बिल मार्केट को डेवलप करने के लिए 1952 में, फिर 1970 में, लेकिन स्टिल एक लिमिटेड बिल मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती है इंडिया में। जो मेन ऑब्स्टिकल्स, मेन प्रॉब्लम्स आती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट वो ये क्या है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है बिल्स को बनाने के लिए कंट्री में। जो डिस्काउंट रेट है कमर्शियल बिल्स और अदर बिल्स पर वो बहुत हाई है। एक्सेप्टेंस हाउसेज और डिस्काउंट हाउसेज नहीं है जो बिल्स को डिस्काउंट करते हैं। पीपल को फेथ नहीं है बिल्स में, वो कैश ट्रांजेक्शन को प्रेफर करते हैं ओवर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जो लोग हैं उन्हें बहुत कम नॉलेज है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स की, तो ये भी एक वीकनेसेस है। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस ओवर द ईयर। क्योंकि इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ फंड्स है, तो जो इंटरेस्ट रेट है इंक्रीज हो जाते हैं बिजी सीजन में क्योंकि डिमांड फंड्स की हाई हो जाती है, और स्लैक सीजन में जब डिमांड फंड्स की लो है तो इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाते हैं। तो वाइड फ्लक्चुएशंस है इंटरेस्ट रेट में ओवर द ईयर, जो रिफ्लेक्ट करता है कि मनी मार्केट वीक है। नेक्स्ट इज योर शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड मनी मार्केट। जो इंडियन मनी मार्केट है वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। फंड्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो रिक्वायरमेंट्स है फार्मर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री की, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एडिक्वेट नहीं है। जो मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स के वो है पॉवर्टी, लो लेवल ऑफ इनकम, लो सेविंग्स और इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज। नेक्स्ट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट। जो इंडियन मनी मार्केट है वहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जो लेंडिंग रेट्स हैं कमर्शियल बैंक्स के वो डिफर करते हैं जो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के रेट है। वाइड वेरिएशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो बैंक्स चार्ज करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर से में और जो अनऑर्गेनाइज बैंक्स चार्ज करते हैं। दो डिस्पैरिटी है इंटरेस्ट रेट में, जो प्रिवेल पहले करती थी उसके कंपैरिजन में जो अभी है इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस वो काफ़ी है। नेक्स्ट इज योर आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट। जो इंडियन मनी मार्केट है वो टोटली आइसोलेटेड है फॉरेन मनी मार्केट से। लेस मूवमेंट है फंड्स की बिटवीन इंडियन मनी मार्केट और फॉरेन मनी मार्केट। जो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है इंडियन मनी मार्केट का फॉरेन मनी मार्केट से, वो रिफ्लेक्ट करता है इंडियन मनी मार्केट की बैकवर्डनेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियन मनी मार्केट और मनी मार्केट रिफॉर्म्स। क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इंडियन मनी मार्केट में?
इंडियन मनी मार्केट है काफी पुरानी, लेकिन फिर भी ये अंडर डेवलप्ड है और डिसइंटीग्रेटेड है। अगर हम इसके स्टार्टिंग में अगर इसके चले तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद इंडियन मनी मार्केट ने अपना जो साइज है, ऑपरेशन है, वो एक्सपांड करना शुरू किया था। जब इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई 1951 की, नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, तो उससे इंडियन मनी मार्केट को काफ़ी मोटिवेशन मिली। लेकिन टाइम टू टाइम वेरियस कमिटीज को अपॉइंट किया गया जो इंडियन मनी मार्केट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए, जिसमें जो मेन है वो आती है चक्रवर्ती कमेटी 1985 की, वेगुल वर्किंग ग्रुप 1987 का, 1988 में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेटअप किया गया, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया 1994 में। इन सब मेजर्स ने हेल्प किया इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जो मनी मार्केट है उसको बूस्ट करने के लिए। और स्पेशली 1991 में जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए, उसने भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री में है उसको इम्पेटस दिया और इससे जो है मनी मार्केट डेवलप्ड काफ़ी हद तक हुई है। लेकिन आरबीआई जो है, जो गवर्नमेंट है, वेरियस मेजर्स टाइम टू टाइम वो लेती रहती है इंडियन मनी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ वही मेजर्स पढ़ रहे हैं। पहला हमारा आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। स्मॉल इन्वेस्टर्स मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकें इसके लिए जो आरबीआई है उसने इंट्रोड्यूस किए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन द ईयर 1992, और ताकि जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स थे इन्हें किसके कंट्रोल के अंडर लाया गया, सेबी के कंट्रोल के अंडर लाया गया। नेक्स्ट इज योर डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। जो आरबीआई ने डीरेगुलेट किया इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के इन द ईयर 1989। अब जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिक्विडिटी इम्पार्ट करने के लिए मनी मार्केट में और उसे स्ट्रेंथन करने के लिए डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेटअप किया गया इन द ईयर 1988। ये जॉइंटली सेटअप किया था आरबीआई ने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। जो इन्वेस्टर्स थे वो डीजीएचआई से अपने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे बिल्स हैं उनको डिस्काउंट करवा सकते हैं। देन है आपका सेटिंग अप ऑफ क्लियरिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इसे सेटअप, इंस्ट्रूमेंट्स में इसे सेटअप किया गया। ये सेटअप किया गया था 2001 में। ये करता क्या है, ये गारंटीड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन के लिए, फॉरन एक्सचेंज के लिए, शेयर्स, डिवेंचर्स जो कंपनी के हैं उनके लिए, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एक्सेट्रा के लिए। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ट्रांसपेरेंसी और एफिशेंसी को इंक्रीज करने के लिए जो भी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम्स को डेवलप किया गया और इसी को ऑनलाइन ट्रेडिंग कहा जाता है। इस सिस्टम के अंडर जो भी आपकी ट्रेडिंग, पेमेंट, सेटलमेंट हो रही है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, वो इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है। नेक्स्ट इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आरबीआई ने वेरियस न्यू मनी मार्केट्स को इंट्रोड्यूस किया जैसे ट्रेजरी बिल्स डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के, कैश मैनेजमेंट बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, ताकि डाइवर्सिफाई हो सके मनी मार्केट के ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आरबीआई है उसने क्रेडिट रेटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैंडेटरी बनाई और क्रिसल, आइक्रा, केयर, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये इवेलुएट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को करती हैं। देन आता है सेटिंग अप ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992। वेरियस गाइडलाइंस वो इशू करता है ताकि जो स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल मार्केट्स की वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ इंटर बैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने ट्रांसफॉर्म किया कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट को प्योर इंटर बैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में। देन नेक्स्ट इज योर रीपर्चेज एग्रीमेंट। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया रेपो, इसे हम कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन द ईयर 1992 और रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट्स 1996 में। जो रेपो ट्रांजेक्शन है कमर्शियल बैंक्स हैं वो बोरो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स
मनी मार्केट से, जबकि जो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके थ्रू जो कमर्शियल बैंक है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी उनके पास सरप्लस है उसे इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, वो जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अदर रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।